ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಅನ್ನದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಶ್ರದ್ಧೇಯ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಜಿ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಮೇರೆ ಸಾಥಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಜಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ, ಸಾಂಸದ್, ವಿಧಾಯಕ್ ಔರ್ ಸುತ್ತೂರು ಮಠಸೆ ಜುಡೆ ಆಪ್ ಸಭಿ ಶ್ರದ್ಧಾಲುಗಣ ಔರ್ ವಿಶಾಲ್ ಸಂಖ್ಯಾ ಮೇ ಯಹಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇನೆ ಆಯೆ ಪೂಜ್ಯ ಸಂತಗಣ. ಮೈ ಮೈಸೂರು ಕಿ ಅಧಿಷ್ಠಾತ್ರಿ ದೇವಿ ಮಾತಾ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕೋ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತಾ ಹೂ. ಯೇ ಮಾ ಕಿ ಕೃಪಾ ಹೀ ಹೈ ಕಿ ಆಜ್ ಮುಜೆ ಮೈಸೂರು ಆನೆ ಕಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಿಲಾ. ಮೈಸೂರು ಕೆ ವಿಕಾಸ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕೈ ಬಡೆ ಕಾರ್ಯೋ ಕೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣ ಕಾ ಅವಸರ ಭೀ ಮಿಲಾ. ಔರ್ ಅಬ್ ಮೈ ಯಹಾ ಆಪ್ ಸಬ್ ಸಂತೋ ಕೆ ಬೀಚ್ ಇಸ್ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇ ಆಕರ್ ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಕೋ ಬಹುತ್ ಹೀ ಧನ್ಯತಾ ಅನುಭವತಾ ಹೂ. और यहां से मैं मां चामुंडेश्वरी के चरणों में जाऊंगा, उनके भी आशीर्वाद लूंगा. इस आध्यात्मिक अवसर पर मैं श्री सुत्तूर मठ के संतों, आचार्यों और मनीषियों को इस मठ की महान परंपरा, उसके प्रयासों को नमन करता हूं. विशेष रूप से मैं आदि जगतगुरु शिवरात्रि शिवयोगी महास्वामी जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस आध्यात्मिक वटवृक्ष के बीज रोपा था. ज्ञान और अध्यात्म की उस महान परंपरा को आज सुत्तूर मठ के वर्तमान मठाधीश परम पूज्य श्री शिवरात्रि देशिकेंद्र महास्वामी जी के आगे बहुत तेजी से उसको फल फूल रहा है. श्री मंत्र महर्षि जी द्वारा शुरू की गई पाठशाला ने श्री राजेंद्र महास्वामी जी के मार्गदर्शन में इतना विशाल प्रकल्प लिया. भारतीय संस्कृति और संस्कृत शिक्षा के लिए इट पाठशाला के नए भवन का लोकार्पण भी आज हुआ है. मुझे विश्वास है कि अपने इस आधुनिक और भव्य स्वरूप में ये संस्थान भविष्य निर्माण के अपने संकल्पों को उसे और अधिक विस्तार देगा. मैं इस अभिनव प्रयास के लिए आप सभी को सर झुका करके अभिनंदन भी करता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं. साथियों, आज मुझे श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी द्वारा नारद भक्ति सूत्र, शिव सूत्र और पतंजलि योग सूत्र पर अनेक भाष्यों के लोकार्पण का भी अवसर मिला है. पूज्य सिद्धेश्वर स्वामी जी भारत की उस प्राचीन ऋषि परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसे शास्त्रों में श्रुत परंपरा कहा गया है. श्रुत परंपरा यानी जो सुन लिया उसे मस्तिष्क और हृदय में धारण कर लिया. विश्व योग दिवस के अवसर पर पतंजलि योग सूत्र का भाष्य, नारद भक्ति सूत्र
और शिव सूत्र के जरिए भक्ति योग और ज्ञान योग को सहज सुलभ बनाने का यह प्रयास, इसका लाभ न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को मिलेगा। और मैं आज जब आप सबके बीच में हूं तो मैं कर्नाटक के जो विद्वत जन है उनसे प्रार्थना करूंगा कि दुनिया में समाज विज्ञान पर जो कुछ भी लिखा गया है पिछले 4-5 शताब्दियों में, अगर उसका अध्ययन करेंगे तो इस विषय के जानकार लोग इस बात पर पहुंचेंगे कि नारद सूक्त उससे भी पुराना है और समाज विज्ञान का एक बहुत बड़ा उत्कृष्ट संपुट हमारे पास है। दुनिया के लिए आवश्यक है कि एक बार अध्ययन करें, जो पश्चिम के विचारों को जानते हैं वो कभी नारद सूक्त के माध्यम से दुनिया को देखने का, समाज व्यवस्था को देखने का, मानवीय मूल्यों को देखने का अद्भुत ग्रंथ ये नारद सूक्त है। और उसको आज आधुनिक परिभाषा में परिभाषित किया है, समाज की बहुत बड़ी सेवा की आपने। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है और ज्ञान का कोई विकल्प भी नहीं है। और इसलिए हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने भारत को उस चेतना के साथ घड़ा जो ज्ञान से प्रेरित है, विज्ञान से विभूषित है, जो बोध से बढ़ती है और शोध से सशक्त होती है। युग बदले, समय बदला, भारत ने समय के अनेक तूफानों का सामना भी किया, लेकिन जब भारत की चेतना क्षीण हुई तो देश के कोने कोने में संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने पूरे भारत को मत कर देश की आत्मा को पुनर्जीवित कर दिया। उत्तर में मेरी काशी से लेकर यही पास में नंजरगुड़ दक्षिण काशी तक मंदिरों और मठों की सशक्त संस्थाओं ने गुलामी के लंबे कालखंड में भी भारत के ज्ञान को प्रदीप्त रखा। मैसूरु में श्री सुतुरु मठ, तुमकुरु में सिद्ध गंगा मठ, चित्रदुर्ग में श्री श्रीगेरे मठ, मृगेंद्र राजेंद्र मठ, चिकमंगलूर में श्री रंभापुरी मठ, हुबली में श्री मुरुसावीरा मठ, बीदर में बसव कल्याण मठ, अकेले दक्षिण भारत में ही ऐसे कितने ही मठों का केंद्र है जो असंख्य विद्याओं, अनंत विद्याओं को सदियों से सींचते आ रहा है। साथियों, सत्य का अस्तित्व संशोधन पर नहीं, सेवा और त्याग पर टिका होता है। श्री सुतुर मठ और जेएसएस महाविद्यापीठ इसका बड़ा उदाहरण है। श्री शिवरात्रि राजेंद्र महास्वामी जी ने जब समाज सेवा का संकल्प लेकर निशुल्क हॉस्टल खोला था तब उनके पास क्या संसाधन थे? किराए की इमारत थी, राशन आदि की व्यवस्था के लिए भी जरूरी पैसे नहीं थे। और मैंने सुना था कि एक बार पैसे के अभाव में हॉस्टल की चीजों की सप्लाई रुक गई तो स्वामी जी को लिंगम करडिगे भी बेचना पड़ा था। यानी उन्होंने सेवा के संकल्प को आस्था से भी ऊपर माना। दशकों पहले का वो त्याग आज सिद्धि के रूप में हमारे सामने है। आज जेएसएस महाविद्यापीठ द्वारा देश से
300 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स और 2 यूनिवर्सिटीज देश विदेश में चल रही है। ये संस्थान न केवल भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर्स है, बल्कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के भी उतना ही योगदान दे रहे हैं। सुत्तुरु मठ गरीब बच्चों की, आदिवासी समाज की और हमारे गांव की जो सेवा कर रहा है, इसी तरह स्वास्थ्य और आरोग्य की दिशा में भारत के प्रयासों से आज आयुर्वेद और योग को पूरी दुनिया में नई पहचान मिली है। हमारा प्रयास है कि देश का एक भी नागरिक अपनी विरासत से अनभिज्ञ और वंचित न रहे। इस अभियान को पूरा करने के लिए हमारे आध्यात्मिक संस्थानों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही बेटियों की पढ़ाई लिखाई के लिए, जल संरक्षण के लिए, पर्यावरण के लिए और स्वच्छ भारत के लिए भी हम सबको मिलकर आगे आना होगा। एक और महत्वपूर्ण संकल्प प्राकृतिक खेती का भी है। हमारा अन्न जितना शुद्ध होगा, हमारा जीवन भी, और अन्न शुद्ध हो तो मन शुद्ध, उतना ही स्वस्थ और पवित्र होगा। मैं चाहूंगा कि इस दिशा में भी हमारे सभी धार्मिक मठ और संस्थान आगे आकर लोगों को जागरूक करें। हमारी इस भारत माता, हमारी धरती माता, उसको हम केमिकल से मुक्त करें, इसके लिए हम जितना करेंगे, ये मां के आशीर्वाद सदियों तक हमारे काम आने वाले हैं। साथियों, जिस कार्यों में संतों का प्रयास जुड़ जाता है, उस कार्य में आध्यात्मिक चेतना और ईश्वरीय आशीर्वाद भी जुड़ जाता है। मुझे विश्वास है आप सभी संतों का आशीर्वाद निरंतर देश को मिलता रहेगा। हम साथ मिलकर नए भारत का सपना पूरा करेंगे। और आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की पल है, पूज्य संतों ने जिस प्रकार से मेरे लिए अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, मैं जानता हूं जो कुछ भी मेरे लिए कहा गया है, अभी मुझे वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन मुझे इस बात का भरोसा है कि संतों के आशीर्वाद हमारी महान सांस्कृतिक विरासत और आप सब संतों के मुझसे जो अपेक्षाएं हैं, आप ही मुझे घड़ते रहेंगे, आप ही मुझे दिशा देते रहेंगे और मैं आपके दिशा निर्देश से, संतों के मार्गदर्शन से, महान विरासत की प्रेरणा से उन कार्यों को पूरा कर पाऊं। ऐसे आशीर्वाद आप लोग मुझे दीजिए ताकि मेरे काम में कोई कमी न रह जाए और आपकी अपेक्षाएं अधूरी न रह जाए। इसी एक मेरी भावना को व्यक्त करते हुए मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर मिला। मेरा जीवन धन्यता अनुभव कर रहा है। मैं फिर एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। एल्लारिगो नमस्कार।